ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू नालंदा इंग्लिश एकेडमी। टुडे वी आर स्टडिंग जीके। जीके मीन्स जनरल नॉलेज, चैप्टर 5, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में देखो बच्चों, पहला कौन सा है? काउ, गोट, बफेलो, बुल्लॉक, कैट, डॉग, कैमल, डोंकी, शीप, हॉर्स, रैबिट। ओके बच्चों, काउ मतलब गाय। गाय आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, हमारे यहाँ पर रहती है, आजू बाजू में गाय रहती है। देखो गाय हमें क्या देती है? दूध। दूध मतलब मिल्क। काउ हमें क्या देती है? मिल्क। ओके, गोट, गोट मतलब बकरी। बकरी भी हमें दूध देती है ना। बफेलो, बफेलो बफेलो मतलब भैंस। बुल्लॉक, बुल्लॉक देखो बच्चों, आप लोगों ने गांव में खेती में देखा होगा, इससे हम लोग हल चलाते हैं, इसके सहारे हम लोग हल चला सकते हैं। खेती में हम लोग इसके सहारे हल चलाते हैं, इसके ये जो सींग है वहाँ पर रस्सी बांध के हम खेती में हल चलाते हैं, पता है बच्चों? ये देखो बच्चों, कैट, कैट माने बिल्ली। बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली हमारे घर में रहती है ना बच्चों, हम उसे दूध, बिस्किट वगैरह सब कुछ देते हैं, उसे हम बिल्ली कहते हैं, माने कैट। ये देखो बच्चों, ये क्या है? डॉग। डॉग माने कुत्ता। कुत्ता आप लोग को देखा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, हमारे घर में भी कुत्ता रहता है। हम लोग डॉग ऐसा गार्ड हम लोग पालते हैं, उसे हमारे घर के गार्ड्स बनाने के लिए, हम उसे ऐसा घर की रखवाली करने के लिए हम उसे पालते हैं। कुत्ते को मालूम है, उसे हम डॉग कहते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करता है। ओके स्टूडेंट, ये देखो कैमल। कैमल कहाँ, किस किस ने देखा है बच्चों? कैमल किन किन बच्चों ने देखा है? कैमल माने ऊंट। ऊंट कहाँ पर रहता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऊंट रहता है ना, इसे कैमल कहते हैं। यह डोंकी, डोंकी मतलब गधा। गांव में आप लोगों ने गधा देखा होगा, जिसके ऊपर ये आप लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी होगी बच्चों, डोंकी की। गधे के ऊपर जो एक गधे का एक मालिक रहता है, वो गधे के ऊपर नमक की ये डाल देता है, पहले रोई की पोटली डालता है, फिर पूरी रोई, पहले नमक की पोटली डालता है, फिर वो पानी में बैठ जाता है गधा, बीच में नदी आती है उसमें पानी में बैठ जाता है, वो नमक घुल जाता है। स्टोरी सुने ना आप लोगों ने, फिर लास्ट में उसके मालिक उसको रुई की पोटली बांध देता है, रुई की ये पूरी बैग भर के वहाँ पे उसके बैग में यहाँ पर रख देता है, फिर वो फिर से गधा पानी में बैठेगा तो पूरा वजन वाला हो जाता है, मालूम है ना? ऐसी स्टोरी आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना बच्चों, गधे की स्टोरी। डोंकी, डोंकी उसे क्या बोलते हैं? डोंकी। शिप, शिप क्या करता है? उसके जो जो बाल हैं, हम लोग जो विंटर में स्वेटर पहनते हैं, सर्दियों में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं बच्चों, वो शिप के बालों से बनता है। ठीक है बच्चों, शिप के बालों से वो स्वेटर बनता है। शिप के बाल उतारे जाते हैं, फिर उसको हम लोग कंपनी में ले जाते हैं ये लोग, फिर कंपनी में से वो हमारा स्वेटर बन के आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए शिप, शिप भी हमारे काम में आता है, शिप के बालों से हम स्वेटर बना के पहनते हैं। हॉर्स, हॉर्स हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े की सवारी आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, घोड़े की सवारी आप लोगों ने देखी भी होगी, किसी किसी ने की भी होगी, की है ना, उसे हॉर्स कहते हैं। रैबिट, रैबिट सभी के घरों में होगा, देखो आप लोगों के घर में रैबिट भी होगा बच्चों। रैबिट माने खरगोश। खरगोश आप लोगों ने देखा होगा, कितना क्यूट होता है खरगोश, रैबिट, उसे हम रैबिट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कन्वर्सेशन। हु गार्ड्स अवर हाउस, हमारे घर को, हमारे घर की कौन रक्षा करता है? द डॉग गार्ड्स अवर हाउस, हमारे घर की रक्षा कुत्ता करता है।
Which animal gives us milk? कौन सा प्राणी हमें दूध देता है? The cow, buffalo and goat give us milk. गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती है. Which animal is used for riding? कौन सा प्राणी हमें रेसिंग में या फिर सवारी करने में काम आता है? द हॉर्स इज यूज फॉर राइडिंग. घोड़ा हमें सवारी करने में काम आता है. अब ये देखो बच्चों, नीचे एक्सरसाइज है. टिक राइट द एनिमल विच गिव अस मिल्क. हमें एक दूध कौन देखा है? काऊ, गोट, ये दोनों दूध देते हैं ना. और डोंकी नहीं, तो डोंकी को रॉन्ग करना है. अब ये देखो, टिक राइट द बफेलो. इसमें से बफेलो कौन सा है बच्चों? ये रैबिट को और हॉर्स को रॉन्ग करना है, बफेलो को राइट करना है. ठीक है बच्चों. टिक राइट द डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं? कैट एंड डॉग. लायन नहीं है. अब ये देखो बच्चों, चैप्टर 6 वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर, लायन, एलिफेंट, ज़ेब्रा, चीता, मंकी, वुल्फ, बेयर, जिराफ, डियर, फॉक्स, राइनो. अब देखो पहला कौन सा प्राणी है? टाइगर. टाइगर कौन है? नेशनल एनिमल. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है. लायन, लायन माने आप लोगों ने लायन देखा होगा. लायन कौन है? किंग ऑफ जंगल. लायन जंगल का राजा है. एलिफेंट आप लोगों ने देखा है बच्चों. हाथी, हाथी आप लोगों ने देखा होगा. इसे बाघ बोलते हैं, इसे सिंह, इसे हाथी. बाघ, सिंह, हाथी. हाथी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों. और ये देखो, ये क्या है? ज़ेब्रा. ज़ेब्रा के ऊपर क्या होता है? ब्लैक स्ट्रिप. स्ट्रिप मतलब ब्लैक पट्टे होते हैं. देखो बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. ये देखो बच्चों, ये क्या है? चीता. चीता, चीता किसका? चीते आप लोगों ने गांव में देखा होगा. चीता कभी भी शिकार पर निकलता है. ये क्या है बच्चों? मंकी. मंकी माने बंदर. बंदर आप लोगों ने देखा होगा. बंदर झाड़ों पर चढ़ चढ़ के बैठता है. ये देखो बच्चों, वुल्फ. वुल्फ आप लोगों ने मतलब, वुल्फ माने जंगली कुत्ता. वुल्फ माने सियाड बोलते हैं ना, सियाड. सियाड उसे हम वुल्फ बोलते हैं. बियर. बियर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बर्फीली जगह पे ऐसे बियर बहुत होते हैं. ये देखो बच्चों, ये जिराफ. जिराफ का क्या है? जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है. जिराफ की गर्दन क्या होती है? बहुत लंबी होती है. ये क्या है बच्चों? डियर. डियर आप लोगों को बाहर देश में देखने को मिलता है. और आप लोगों को डियर ये सब से सब एनिमल्स देखने हैं. हमारे सूरत में जो एनिमल्स हाउस है, प्राणी संग्रहालय बोलते हैं जिसे, अब वहां पर जाओगे तो आप लोगों को ये सभी एनिमल्स देखने मिलेंगे. अब ये देखो बच्चों, ये क्या है? फॉक्स. फॉक्स मतलब जंगली कुत्ता. ठीक है बच्चों. ये देखो, ये क्या है? राइनो. राइनो माने गेंडा, है ना. अब बच्चों देखो, हम लोग कन्वर्सेशन पे आते हैं. कन्वर्सेशन दिख रहा है बच्चों आप लोगों को. पहला क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन 1, विच एनिमल जंप ट्री टू ट्री. कौन सा जानवर
झाड़ों इस झाड़ से उस झाड़ तक जा सकता है। द मंकी जंप्स ट्री टू ट्री, कौन सा जानवर जा सकता है? बंदर झाड़ इस झाड़ से उस झाड़ तक जा सकता है। विच एनिमल इज कॉल्ड अ किंग ऑफ जंगल, कौन से प्राणी को हम जंगल का राजा कहते हैं? लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, हम लोग सिंह को जंगल का राजा कहते हैं, है ना बच्चों? विच इज अवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? हमारा नेशनल एनिमल द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो कितने सारे एनिमल्स का फोटो है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? उसमें पहले देखो एक्सरसाइज में क्या लिखा है, टिक राइट द डोमेस्टिक एनिमल एंड रॉन्ग द वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कौन कौन से है देखो, बाजू में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे वाइल्ड एनिमल्स में, ये टाइगर, एलिफेंट, ज़ेब्रा, फॉक्स, लायन, है ना, ये सब वाइल्ड एनिमल्स है, उसको हमें रॉन्ग करना है। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से बच्चों? शीप, डॉग, काउ, गोट, हॉर्स, कैट, बफेलो, इन सबको हमें राइट करना। देखो मैंने किया हुआ है, ऐसे आप लोगों को करना है। ओके बच्चों, आज हम लोग एक चैप्टर ज़्यादा लेंगे क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसलिए। अब हम लोग देखेंगे बर्ड्स, ठीक है बच्चों? चैप्टर 7 बर्ड्स। बर्ड्स में देखो पहला बर्ड्स कौन सा है? बर्ड्स मतलब पक्षी, पक्षी देखो पहला पक्षी कौन सा है? पिजॉन, पिजॉन माने कबूतर, कबूतर आप लोगों के घर में आते होंगे उसे हम पिजॉन बोलते हैं। ये देखो बच्चों पैरोट, पैरोट किसे कहते हैं? पैरोट किसे कहते हैं बच्चों? पोपट, पोपट बोलते हैं ना हम लोग जिसे, पोपट हम लोग के घर में भी हम लोग पालते हैं इसे पैरोट को, इसे हम पैरोट कहते हैं। सेकेंड थर्ड पिक्चर कौन सा है देखो? पिकॉक का, पिकॉक मतलब मोर, पिकॉक माने मोर। मोर किसे कहते हैं हम? मोर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो बारिश के समय में आता है मोर, उसे हम पिकॉक कहते हैं। कुकू, कुकू माने कोयल, कुकू माने कोयल, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है ना, उसे हम कुकू कहते हैं। ये क्या है बच्चों? क्रो, क्रो माने कौवा, कौवा कैसा बोलता है बता आप लोगों को, हमारे घर पे आता था बोलता होगा वैसे। हैन, हैन माने मुर्गा। डक, डक माने बतख, बतख आप लोगों ने देखा होगा पानी में रहता है। स्पैरो, स्पैरो माने चिड़िया, चिड़िया माने हम गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? चकली। और हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया। और इंग्लिश में स्पैरो। ओके बच्चों, ये क्या है बच्चों? आउल, आउल को हम इंग्लिश में क्या बोलते, गुजराती में क्या बोलते हैं? गरुड़। हिंदी में भी उसे गरुड़ बोलते हैं, इंग्लिश में भी और गुजराती में भी गरुड़ बोलते हैं और इंग्लिश में आउल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मुर्गा। रोस्टर मतलब मुर्गा, हैन माने मुर्गी, रोस्टर मतलब मुर्गा। अब ये देखो बच्चों ईगल, ईगल किसे बोलते हैं हम? ईगल किसे कहते हैं? चील को, चील, चील कहते हैं ना, वो देखो चील आ रहा है करके वैसे इसे हम ईगल कहते हैं। ये देखो बच्चों ये क्या है? क्रेन, जो मछली पकड़ता है नदी में से, जो मछली पकड़ता है उसे हम क्रेन कहते हैं। ये क्या है? नाइटिंगल,
नाइटेंगल किसे बोलते हैं? यह है नाइटेंगल। ओके बच्चों, इसे हम कहते हैं वल्चूर। वल्चूर मालूम है कौन है? जो सांप को सांप के साथ, जिसका सांप के साथ बहुत बड़ा वो ये होता है, उसे हम वल्चूर कहते हैं। ओके बच्चों, ये कन्वर्सेशन आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। विच इज अवर नेशनल बर्ड? द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। अब पहला हमारा नेशनल एनिमल कौन सा था? टाइगर। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल था ना। अब हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। विच बर्ड कैन सी ओनली एट नाइट? रात को कौन सा पक्षी देख सकता है? द आउल कैन सी एट नाइट। आउल मतलब हम लोग ने यहाँ पर देखा था ना बच्चों, आउल वो सिर्फ रात को देख सकता है। विच बर्ड हैज हार्श वॉइस? इतनी गंदी आवाज कौन से पक्षी की है? द क्रो हैज वेरी हार्श वॉइस। कौवे की आवाज बहुत ही गंदी है। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रो? कौवे का कलर कौन सा है बच्चों? द कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक। कौवे का कलर काला है। विच बर्ड हैज स्वीट वॉइस? द कुकी हैज वेरी स्वीट वॉइस। कौन से पक्षी का आवाज बहुत मीठा है? कोयल का आवाज बहुत मीठा है। विच बर्ड इज ब्यूटीफुल फेदर? कौन से पक्षी के पंख बहुत ही अच्छे हैं? द पीकॉक हैज वेरी ब्यूटीफुल फेदर्स। मोर के पंख बहुत अच्छे हैं। विच बर्ड्स लिव इन वाटर? द डक एंड क्रेन लिव इन वाटर। मतलब कौन सा पक्षी पानी में रहता है? डक और क्रेन पानी में रहते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ पैरोट? पोपट का कलर कौन सा होता है बच्चों? द कलर ऑफ पैरोट इज ग्रीन। पोपट का कलर ग्रीन है, हरा कलर होता है। ग्रीन माने हरा। ओके बच्चों, बाय। आप लोगों को पूरा रीड करना है बच्चों, घर पे जो भी है एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू।